हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिया। ये साइक्लोथाइमिया होता क्या है कि कोई भी ऐसी बीमारी कि जो 2 साल तक चल रही है और जिसमें एक तो मूड जो है वो थोड़ा डाउन है, इतना डाउन नहीं है कि उसको डिप्रेशन कहा जाए, फुल फ्लेज डिप्रेशन डाउन है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा अपसाइड पे होता है, थोड़ी ज़्यादा बात करना, थोड़ा अच्छा लगना, प्लेजरेबल लगना, ऐसा। तो एक तो डाउन रहेगा या अप रहेगा, डाउन रहेगा या अप रहेगा, और वो इतना नहीं है कि उसको पूरा पागल कह सकते, पूरा मैनिक है ऐसा बोल सकते, मतलब मैनिकल नहीं है वो, या पूरा डिप्रेस नहीं है, मगर वो साइकिल जैसा डिप्रेशन, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप। तो ये लोग एक्चुअली पेशेंट कह करके मतलब कह नहीं जाते, मतलब उनको कहला नहीं जाता कि ये पेशेंट है करके, ये तो समाज में वैसे ही निकल जाते हैं, मतलब उनको मालूम नहीं पड़ता किसी को ये प्रॉब्लम है, मगर उनके जो घर वाले रहते हैं उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। और वो कभी कभी बहुत फास्ट हो सकता है कि 15 दिन डिप्रेशन, मतलब थोड़ा सा डाउन है साइक्लोथेमिया, 15 दिन लो मूड है, और बाद में 15 दिन थोड़ा हाई मूड है, थोड़ा लो मूड ऐसा चालू रहता है साइकिल, इसे बोलते हैं साइक्लोथाइमिया बोलती है इसको। तो जब डाउन रहता है तो थोड़ा सा लो मूड रहेगा, थोड़ी खाने की इच्छा नहीं, थोड़ी एनर्जी कम है, नींद बराबर नहीं हो रही है, काम बराबर नहीं कर कर रहे, मतलब काम करेंगे वो घूमेंगे फिरेंगे, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, फिर थोड़ा सा अप हो जाएंगे तो उसमें चिड़चिड़ापन है, ज़्यादा बातें करना, लोगों से मिलना जुलना, कुछ तभी नए सौदे करना, उतना नहीं है ऐसा लोगों को लगता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ लगती है, मगर इतनी नहीं कि उसको डॉक्टर की तरफ लेकर जा सके। तो वो उसको बोलते हैं हाई साइड और लो साइड, हाई साइड और लो साइड, और बीच में कभी कभी ये नॉर्मल भी रहते हैं। तो ये ऐसी बीमारी जो 2 साल तक चली, 2 ईयर्स कंटिन्यूसली, तो उसको साइक्लोथेमिया करके इसको नाम है, क्योंकि ये लोग उतने बीमार नहीं है या उतने डिस्टर्ब करने वाले नहीं है या फैमिली मेम्बर को कोई तकलीफ देने वाले रहते नहीं है, तो फिर होता क्या है कि उनको डॉक्टर की तरफ कोई लेकर जाता नहीं, ये निकल मतलब ऐसे ढक जाता है, सर्वाइव हो जाते हैं। मगर आप अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके आजू बाजू में ऐसे लोग होंगे कि जिनको ऐसा आपको लगता है कि साइक्लोथेमिया है, कुछ तो भी है, पकड़ नहीं पा रहे मगर कुछ तो भी है, तो उनको उनके फैमिली मेम्बर को जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम उनका इलाज कर सकें, क्योंकि उसके लिए जैसा साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, REBT है, CBT है, साइकोथेरेपी है, दवाइयाँ हैं, तो इनसे मतलब वो उसका हम इलाज करते हैं तो उनका नॉर्मल जीवन वो जी सकेंगे। वो ये लोग खुद भी आ सकते हैं इलाज करने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको किसने ज़बरदस्ती लाना चाहिए करके। ये कभी कभी फिर हाई, यदि टाइड रही, हाई मूड रहा, तो उसमें फिर शराब के शिकार बन जाते, व्यसन करना चालू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया तो कभी कभी उसमें सुसाइड भी कर लेंगे। तो ज़रूर ये आप वीडियो लोगों को शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, फेसबुक के ऊपर शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।